पंचशील पहचान है दीप सिंह बौद्ध की, तिरंगा हमारी शान है, पंचशील हमारी पहचान है, अशोक सम्राट के हम वंशज है बाबा साहब, अशोक सम्राट के वंशज। हाँ बाबा साहब, कुत्ते के झुंड में शेर कभी लड़ा नहीं करते, हम भीम दीवाने हैं, किसी के बाप से डरा नहीं करते। बदलाव आएगा बहुजन समाज में, रावण तेरे राज में, यही नारा आज से शुरुआत होगी। अच्छा, बदलाव आएगा बहुजन समाज में, रावण तेरे राज में, राम का राज बहुत चल गया, अब राम राज पसंद नहीं है, रावण राज। वो कहे थे पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो अभी जो है अब हम लोग राज करने के कगार पर आ गए हैं और राज करेंगे। लड़ाई जो है बिल्कुल नजदीक हो गया है और आर पार की लड़ाई होगी और हम लोग राज करें। कहना है कि देखो औकात नहीं है आंख से आंख मिलाने की और बात करते हैं संविधान मिटाने की। भाई साहब, संविधान पे अगर आंच आई तो हम भीमा कोरेगांव दौड़ा देंगे, क्योंकि हमारे लोगों ने हथियार चलाए हैं, चलाना नहीं भूले, और ये झंडा और डंडा दोनों ही मजबूत हैं, जिससे जो मानेगा हम उससे मनाने का काम मांग रहे हैं भाई, जो हमारा क्या वो मांग रहे हैं, और इज्जत से नहीं देंगे तो हाथ डाल के छीन लेंगे। राजधानी में झंडा गाड़ दिए, ये तो अभी शुरुआत है, ये जवानी किधर चल रही है, चंद्रशेखर भाई की तरफ। देश में तमाम जो महापुरुष हुए, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे और लोग हो, वो साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो एक बार दिखाए, ये जो युवा साथी हैं जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के राउंड में एक बार कॉल में जो जुटे हैं यहाँ पे, मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करूँगा। काफ़ी यहाँ युवा नज़र आ रहे हैं, मैं युवाओं से जानने की कोशिश करूँगा क्या कहेंगे। एक स्लोगन है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है, और यहाँ ये नज़र देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ज़मीन पर अगर चम्मक घूमेगी तो लोहा चिपक कर आएगा, और चम्मक को अगर ऊपर रख दो तो लोहा कभी नहीं चिपकेगा, वही वाला हिसाब है भाई। चंद्रशेखर जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं तो लोग साथ में आ रहे हैं। यहाँ जो युवाओं को देखा जा रहा है, चारों तरफ आप देखेंगे तो युवा ही युवा नजर आ रहे हैं, क्या इस बात को स्पष्ट, ये माजरा जो देखने को मिल रहा है ये स्पष्ट कर रहा है कि जो युवा है वो देश के, वो चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं, क्योंकि भाई का संघर्ष हमें दिख रहा है। भाई पार्लियामेंट में पहुंचे तो भाई ने 542 सांसदों पे एक अकेला हमारा भाई चंद्रशेखर हावी है, भारी है, और सबकी बैंड बजा रखी है। चलिए और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। एक स्लोगन आता है, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धर धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। काफी लोग इस बात को कह रहे हैं, क्या है, सही है, आप लोगों ने ललकारा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरे समाज का नारा है, ये पूरे समाज कह रहा है, और हम सभी समाज के वंचित लोग हैं, और जो अत्याचार बीजेपी कर रही है उसको तो बिल्कुल उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग, ये समाज है। लेकिन लेकिन इस भीड़ को मनुवादियों के पेट में हलचल होने लगी है, बहुत ज्यादा हो गई है उनको, तो ऐसी वो सोच रहे हैं कि कब कब गद्दी हमारे बीच में से। ये तो थोड़ा सा ओबीसी अगर समझ जाए ना, ओबीसी थोड़ा सा समझ जाए, अब उनको तब पता लगेगा, अब नौकरियां नहीं मिलेगी, बीजेपी ने सारी नौकरी खत्म कर दी है। इसराइली में सारे लोग को देखा जा रहा है, 90% की इसमें भागीदारी हुई है, मैंने बात किया है। हाँ, 90% 90% के नेता है चंद्रशेखर। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, आप लोग? हाँ मानता हूँ भाई, 99% नहीं है, आरक्षण से छेड़छाड़ किया है, वो बिल्कुल गलत है भाई, ऐसे करेंगे तो जमीन से उठ करके बात करते हैं चंद्रशेखर भाई, जमीन ही नेता है। ये पैसे जो जो भीड़ आई है ना, ये पैसे दे के भीड़ नहीं आई है, पैसे दे के भीड़ नहीं आई, भाई की आवाज में भीड़ आती है। समता, स्वतंत्रता और करुणा की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी नहीं बात करते हैं इस पर? राहुल गांधी बात करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड देख के करते हैं, लेकिन चंद्रशेखर भाई जमीन से उठे हैं, और आज इस बात के गवाह है कि आज किसी के साथ मारपीट हो जाती है, भीम आर्मी के लोग जब तक नहीं जाते हैं, मैं मध्य प्रदेश शहडोल जिला से हूँ,
वहाँ के दबंग लोग फोन कर देते हैं पुलिस वालों को, वहाँ रिपोर्ट नहीं होती है। तो भीम आर्मी का पावर इतना है कि आज भीम आर्मी के कार्यकर्ता जाके रिपोर्ट करवाते हैं, FIR करवाते हैं। ये पावर है, इसी पावर को, इसी बुलंदी को हम लोग और मजबूत करने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। और अपना खुद का किराया लगा के भूखे प्यासे रह के हम लोग रिजर्वेशन वाले डिब्बा में नहीं आए हैं, हम लोग जनरल डिब्बा में आए हैं, परेशान होके आए हैं। और ये परेशानी एक दिन कहीं ना कहीं हम लोग को कामयाबी दिलाएगी। कुछ युवा कह रहे हैं कि हमें मंदिरों का पुजारी बना दो और आरक्षण ले लो, सही है? ये बिल्कुल सही है, हम कोई भीख नहीं है, एक हिसाब से ठीक है। मैं किस हिसाब से ठीक है मैं बताना चाहूंगा। देखिए, हम लोग को मान सम्मान की जहाँ बात है, मान सम्मान की जहाँ बात है, आप जातिगत मान सम्मान कभी देते नहीं हो। आप वही मान सम्मान उल्टा कर लो, आप अपमान सहो और हमको सम्मान दे दो। तो बाबा साहब ने मंदिर और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, युवाओं को भी देख सकते हैं, चारों तरफ युवा कहीं ना कहीं आपको नजर ही नजर आ रहे हैं। और उनका साफ साफ कहना है, और लोग भी कहते हैं, हमेशा लोग कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। बात सही है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है, एकदम सही है, बिल्कुल सही बात है। ये आपको नहीं पता है क्या? और लोगों से बात करेंगे, क्या कहेंगे आप? बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं बताइए, तब सवाल कीजिए। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है, सही बात है, चलता है, एकदम चलता है, चलते जवानी किधर चल रही है? चंद्रशेखर भाई की तरह देखिए, जो जमीनी स्तर से मेहनत की है वो आज देखिए दिल्ली में झंडा गाड़ दिए, राजधानी में झंडा गाड़ दिए। ये तो अभी शुरुआत है, ये तो टेलर है अभी है, अभी तो ये अंगड़ाई है। क्या कह रहे हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप? इन्हें तो ऐसा पछाड़ पछाड़ के मारेंगे, तुम टेंशन मत लो। बात हक अधिकार की है, अधिकार की है भाई, पूरी अधिकार की है। जो हमारा हक है हम इनसे भीख थोड़ी मांग रहे हैं, जो हमारा हक है वो मांग रहे हैं, और इज्जत से नहीं देंगे तो हाथ डाल के छीन लेंगे। हम बुद्ध को मानने वाला लोग हैं, युद्ध के लिए मत ललकारो, नहीं तो अगर जिस दिन संविधान को क्या कहें, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, अगर जिस दिन अगर संविधान को छेड़ोगे ना तो छोड़ेंगे नहीं। हम 85% भारत में बीवा बोले गांव में याद करो, और मैं तो महोबा से हूँ, वीरों की बस्ती, जवानों का देश, जिला महोबा उत्तर प्रदेश, वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा, महोबा उत्तर प्रदेश से है? हाँ, महोबा उत्तर प्रदेश से है। वहाँ तो रुदल और आल्हा रुदल की कहानियाँ। हाँ, वो वीरों की भूमि है वो। अच्छा, वीरों की भूमि। वीरों की भूमि। क्या कहेंगे सर आप? मेरा कहने का मतलब ये है, जितनी भी जो भी हमारे साथ, जितनी भी हमारे सब लोगों के साथ ये शोषण कर रही है सरकार, ये इतना अत्याचार कर रही है कि मजबूर कर दिया है लोगों ने। युवाओं का ये इधर काफिला देखने को काफी मिल रहा है, आप देख सकते हैं, और जो युवा है वो साफ उनकी ललकार है। और देश के तमाम लोग कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। और ये साफ जो नजारा आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये जो जवानी है ये चंद्रशेखर आजाद रावण के तरफ चल चुकी है। और पूरा का पूरा ये जो दिल्ली है और ये जो स्टेडियम पूरा युवाओं से भरा पड़ा आपको मिलेगा, ये जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है वो पूरा भरा मिलेगा। और ये बाहर का मैं आपको सीन देख रहा हूँ, आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको युवा नजर आएगा, चारों तरफ आप देख सकते हैं युवा ही नजर आएगा। इस तरह से ये सीन है, आप देखिए यहाँ पूरा का पूरा। और इधर ये लोग जो युवा है वो जय भीम के नारे लगा रहे हैं। तो ये नजारा है, आप देखिए ये नजारा आपको मैं दिखा रहा हूँ, और ये रोड का नजारा है। और युवाओं से मैं बात फिर करूँगा कि ये युवा जो है ये देश के भविष्य हैं, और जिसकी चाहेंगे उसकी सरकार ये बनाएंगे, क्योंकि युवाओं में वो शक्ति है और उन्हें देश का भविष्य माना जाता है। आप एक बार कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार वो बाहर का ये तस्वीर दिखाएं,
जहां पे युवाओं का एक बहुत बड़ा जनसैलाब आपको देखने को मिलेगा। और इस ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो युवाओं का ही ये, आपको जहां भी आपकी नज़र जाएगी युवा ही जाएंगे नज़र आएंगे आपको। ये देख सकते हैं ये तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सभी लोगों के हाथ में बाबा साहब की प्रतिमा है, जो तस्वीर लेकर वो लोग घूम रहे हैं। और बाबा साहब के जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं युवा अब जान चुका है, और उनको धरातल पर लाने की लगातार वो कोशिश कर रहा है। मैं युवाओं से बात करने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि युवा इस देश का क्या चाहता है और क्या उसे करेगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मैं जहाँ तक जाऊँगा वहाँ सिर्फ सिर्फ युवा नजर आएगा। ये तस्वीरें आप देखिए, आरा देखिए, कहीं ना कहीं ये देखिए, ये लोग स्लोगन भी बोल रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। क्या कहेंगे? हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम नहीं चाहते इस देश में हिंसा हो। कोई अगर हमारे स्वाभिमान और सम्मान के साथ समझौता करेगा तो भीम आर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों ही मजबूत हैं। जिससे जो मानेगा हम उससे मनाने का काम करेंगे। और सुनो, और संविधान जो बाबा साहब ने लिखा ये किसी की भीख नहीं है, उन्होंने चार चार बच्चों की कुर्बानी देने के बाद हमें दिया है, और यही भीख में नहीं मिलता। और हम संविधान पे अगर आँच आई तो हम भीमा कोरे गांव दौड़ा देंगे, क्योंकि हमारे लोगों ने हथियार चलाए हैं, चलाना नहीं भूले। और ये एक मिनट, संविधान के बारे में एक बात बोलो, बोलो, बोलो। संविधान सभी भाइयों को मेरा क्रांतिकारी, जय भीम। औकात नहीं है आँख से आँख मिलाने की, इनकी औकात नहीं है आँख से आँख मिलाने की, मोदी की और योगी की, जिन्होंने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो देखो कहना है कि देखो औकात नहीं है आँख से आँख मिलाने की, और बात करते हैं संविधान मिटाने की। भाई साहब आँख मिटाने की क्या कहेंगे आप? तो बिहार से आए हैं, काफी चर्चित चेहरा है, सोशल एक्टिविस्ट है, क्या कहेंगे आप? क्या क्या पूछना चाह रहे हैं आप? पूछना ये चाह रहे हैं कि हमारे महापुरुषों ने कहा है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है, क्या ये जवानी चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ चल दी है? बिल्कुल चल दी है, आप देख रहे हैं कि पूरे जो है दिल्ली आज नीला हो गया, देख रहे हैं ना, पूरा जवानी जो है चंद्रशेखर भाई को चल दिया है। जहाँ यूथ रहेगा वहाँ परिवर्तन हर हाल में होगा। तो क्या लग रहा है कि परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, हजारों साल का जो हम लोगों पर सोशल जुल्म अत्याचार है वो खत्म होगा। हमारे जो बिहार के लेनिन थे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, वो कहे थे पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो अभी जो है अब हम लोग राज करने के कगार पर आ गए हैं और राज करेंगे। लड़ाई जो है बिल्कुल नजदीक हो गया है और आर पार की लड़ाई होगी और हम लोग राज करेंगे, कोई नहीं रोकने वाला है। क्या कहेंगे आप? युवा कह रहे हैं कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और ये तीसरी पीढ़ी राज करेगी, क्या कहेंगे आप? बदलाव आएगा बहुजन समाज में, रावण तेरे राज में, यही नारा आज से शुरुआत होगी। बदलाव आएगा बहुजन समाज में, रावण तेरे राज में। राम का राज बहुत चल गया, अब राम राज पसंद नहीं है, पसंद रावण राज चाहिए। एकदम क्या कहेंगे? रावण राज की बात कर रहे हैं। एक मैं सारी बोलना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। कुत्ते के झुंड में शेर कभी लड़ा नहीं करते, हम भीम दीवाने हैं, किसी के बाप से डरा नहीं करते। भीम के वंशज हैं ये, साफ कह रहे हैं कि हम किसी के बाप से डरा नहीं करते। ये देखिए जो युवाओं का क्या कहे, हाँ बताइए आप भी। अगर किसी ने हमारी माताएं बहनों पे आंख उठाने की कोशिश की तो जिंदा गाड़ देंगे, और हमारे चंद्रशेखर आजाद के इस राज्य में दलालों को जिंदा दफना देंगे। जय 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 भीम, जोर से बोला जय 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 भीम, बाबा साहब अमर रहे। कहाँ से आए हैं आप? एमपी डिस्ट्रिक्ट छतरपुर। एमपी से आए? जी सर। कहाँ करते हैं? यहाँ पे मैं ड्यूटी करता हूँ, यहीं पे नोएडा में, यही रहता हूँ। चंद्रशेखर राव जी के बिल्कुल उनके लिए दिल का दरवाजा जिंदगी भर खुला रहेगा। अच्छा आप लोग से, आप लोग युवा हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है क्या? जो आरक्षण में वर्गीकरण का, वो सही है कि गलत है? गलत है। ये कॉलेजियम सिस्टम से जो लोग जज बैठे हैं वो भी गलत है।
वो गलत है, खत्म होना चाहिए हुए हैं। वो कठपुतली बने हुए हैं, वो भाजपा सरकार के दलाल बने हुए हैं। समय डरते हैं वो लोग, क्योंकि मोदी ने भैया उनके पीछे ईडी सीडी आईबी दुनिया भर की छोड़ रखी है। शेर से न्यायालय पे वो बैठे हैं, वो किसी से नहीं डरते हैं। उन्हीं के आदमी बैठे हैं, उन्हीं के आदमी बैठे हैं। जज उनके घर के हैं, रिश्तेदार से आए हैं। अरे औरैया जिला से, औरैया जिला से। ये पंचशील का जो झंडा लिए है, हमारी पंचशील पहचान है दीप सिंह बौद्ध की। तिरंगा हमारी शान है, पंचशील हमारी पहचान है। अशोक सम्राट के हम वंशज है बाबा साहब, अशोक सम्राट के वंशज। हाँ बाबा साहब रास्ता बता के गए हैं। तो बुद्ध की परिकल्पना हो चुकी है, बौद्धमय भारत बनेगा। अरे बाईस प्रतिज्ञा है, हाँ बौद्ध बनेगा, बौद्धमय भारत बनेगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे हिंदू राष्ट्र देखिए, ये मोहन भागवत है मोदी का फैसला बना था कि 2005 तो छोड़िए, बागेश्वर धाम वालों को जानते हैं। एक मिनट, एक चोर है, और एक मिनट देखिए, ये 2025 में आरएसएस, अरे रुक जाओ एक मिनट भैया, 2025 में आरएसएस का 100 साल होने वाला था उसका संगठन का। अगर इन बार बीजेपी पूरे बहुमत से आता तो हिंदू राष्ट्र का घोषित करने वाला था। लेकिन आगे स्वर धाम वाले बाबा पक्का कहेंगे, उनसे ज्यादा चमत्कारी मैं बताऊंगा। क्या कहेंगे, उनसे ज्यादा चमत्कारी मैं बताऊंगा। बागेश्वर से पखंडी है वो, पास करोड़ों लोग उनके चरण चुम्बन करते हैं। आप कह रहे हैं देखिए, ये देश में हमारा ये लोग शोषण कर सके, आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट